मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 9 बिल्वर की बुद्धिमानी जो हम पढ़े थे उसका आज हम आगे पढ़ेंगे। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी तो मैं पहले ही क्यों ना इसे आधा इंच काट दूं, ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इसी तरह मेरी लकड़ी सबकी बराबर रहेगी, इसी प्रकार बिरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया। यही तो बिरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? सुबह होने पर बादशाह और बिरबल उसी जगह पर गए जहां नौकर को रखा गया था। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बिरबल ने सबकी लकड़ियां को देखा। जो असली चोर की लकड़ी देखी तो वह और आरे से आधा इंच वह एक और से आधा इंच छोटी निकली। बिरबल समझ गया कि अवश्य ही इसने चोरी की है। बिरबल ने एकांत में जाकर उसे छोड़ देने का वादा करके सारी सच्चाई जान ली। व्यापारी चोरी हुआ माल मिल जाने पर बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बिरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। देखो बच्चों, हम जो पढ़े थे, बिरबल ने सबको एक एक लकड़ी का गट्ठी दी तो उसने कहा कि जो भी असली चोर होगा वो उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। तो उसने जब चारों नौकरों को एक एक लकड़ी दिया, जो असली चोर था तो वो समझा कि मेरी लकड़ी तो बढ़ जाएगी, मैं पहले ही इसे आधा इंच काट देता हूँ। इसी तरह बिरबल को पता नहीं चलेगा कि कौन चोर है कौन चोर नहीं है। यही सोचकर वो तुरंत ही क्या करता है, अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटी कर देता है। यही तो बिरबल की चाल था कि कैसे चोर को पकड़ सके। कभी ऐसा हो सकता है क्या, रात भर में ही लकड़ी आधा इंच बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। तो जब सुबह हुआ, सबकी लकड़ी देखा गया तो जो असली चोर था उसका लकड़ी छोटी निकली। तो उसने क्या किया, उसको एक और ले जाकर बोला कि सारा सच्चाई बता दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो उसने सारा सच्चाई बता दी, व्यापारी का सारा धन मिल गया, वो बहुत खुश हुआ। ऐसे बुद्धिमानी बिरबल की ऐसी बुद्धिमानी देकर अकबर बादशाह भी प्रसन्न हुए।